हाय, मैं मोहम्मद किचन इंडिया मोहम्मद में आप सबों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के सामने में बैंगन की भरता बना के दिखाऊंगी, जो कि मैं गैसी में जाली के ऊपर उसको रोस्ट करके दिखाऊंगी। और ये अगर रेसिपी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, तब मेरा जितना रेसिपी का इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे। ये बैंगन का चोखा आप किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, लिट्टी, पराठा, रोटी, ये बहुत टेस्टी बनता है। आप बहुत, और इस समय बैंगन भी बहुत अच्छा मिल रहा है, तो इससे चोखा भी अच्छा बनता है। हाँ, इसे बनाने के लिए ये चोखा में मैंने ये लहसुन और हरी मिर्च को मैंने रोस्ट करके इसको कूच ली है। धनिया पत्ती, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने कूच कर रखी है, इसको रोस्ट किया है अपने। हाँ, हरी मिर्च और लहसुन को रोस्ट करके रखी और धनिया पत्ती के साथ इसको थोड़ी सी कूच कर रखी हूँ मैं। अच्छा। और ये अदरक मैं क्रश करके रखी हूँ, थोड़ी सी प्याज है इसको मैं रखी हूँ देने के लिए, और हरी मिर्च है, धनिया पत्ती है, और ये लहसुन और लाल मिर्च की चटनी है जिसे महाराष्ट्र में ढेचा कहते हैं। और इसे इसमें मैंने सरसों का तेल डालूंगी, कच्ची सरसों का तेल डाल के इसको मैश करूंगी। और ये इस कटोरी में नमक रखा हुआ है, नमक है। अच्छा, और प्याज कितना से ली है आप? प्याज छोटी प्याज आधा, ज्यादा प्याज नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और बैंगन को मैं गैस में उसके जल लूंगी, उसे गैस रोस्ट कर लूंगी, बैंगन और आपका ये टमाटर। अच्छा, और लहसुन भी आपने रोस्ट किया है? हाँ, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने गैस में रोस्ट कर ली। अच्छा, और अच्छा। उसको धनिया पत्ती के साथ इसको थोड़ा सा कूच कर रखी हूँ। अच्छा, आपने गैस जला हाँ, लिया, ऑन कर ली। और मैंने बाजार में चोखा के लिए बैंगन को जितना हल्का हो, देखिए हल्का है, जितना हल्का होगा ये अच्छा इसका भरता बनता है। और ये आपने बीच में से इसको मैं काट ली इसलिए कि इसमें कीड़ा उड़ा नहीं है ना, देखने के लिए भी। और इसमें मैं ये सरसों का तेल लगा के इसको रोस्ट करूंगी। अच्छा। क्योंकि इससे आसानी से इसका जो छिलका है निकल जाता है। अच्छा अच्छा। अब आप और इसे मैं रोस्ट करने के लिए रख दी। अच्छा, और इसको घुमाते रहिएगा। हाँ, पहले हल्का थोड़ा कम कर देंगे गैस, फिर और एक टमाटर को भी मैंने रोस्ट करने के लिए तेल लगा के उसी तरह से। हाँ। अच्छा, आपका ये फ्राई चल रहा है? हाँ, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के इसको बैगन को जलाना है। अच्छा अच्छा, इससे पक जाएगा ये। हाँ। अब आप टमाटर को भी इसी विधि से कर रही हैं? हाँ, टमाटर को भी मैं रोस्ट करने के लिए रख दी। मेरा बैंगन रोस्ट हो गई है, मैं अभी छिलका इसका निकाल लूंगी। अच्छा अच्छा, एक और बैंगन आप ये करेंगे ना? हाँ। इसके बाद इस टमाटर को आप कर रही हैं? हाँ। इसको भी घुमाते रहना पड़ता है क्या? हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, एक तरफ पक जाएगी फिर दूसरी ओर। अच्छा, आप तो डायरेक्ट हाथ से कर रही हैं। हाँ, हाथ जलता नहीं है आपका? आदत पड़ गई है खाना बनाकर। तभी तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान की औरतें आग से खेलती हैं। हाँ, ये बैगन आपका? मेरा ये बैगन रोस्ट हो चुका है, मैं इसे चाकू लगाकर देख रही हूँ कि ये हुई है कि नहीं। देखिए चाकू घुस जा रहा है, इसका मतलब है कि पक चुका है। पक चुका है, टमाटर भी पक चुका है। टमाटर का वही हाल है। अब इसको आप? हाँ, मैं पानी में नहीं डालूंगी, चाकू से ही इसका छिलका अच्छा, निकाल लूंगी। अच्छा अच्छा, ऐसे करके। हाँ हाँ, मैं इसका छिलका निकाल लूंगी। छिलका डाल देंगे जो कि जल गया है। हाँ, पानी में नहीं डालना है। इस चोखे का एक जला हुआ एक जो सुगंध होता है वो बहुत लोगों को पसंद है। टमाटर का भी वही हाल है, वो भी थोड़ा सा जल गया है। ये जले हुए कुछ चोखा का एक अलग स्वाद होता है। इसका अलग
जो मैं लोग बहुत पिछले पसंद करते वीडियो में अपना चोखा को, बैगन आलू को बॉईल करके चोखा बना के दिखाई थी। हैं। इसमें मैं इस बार इसको आप जला रोस्ट कर दिखा करके, रहे हैं, रोस्ट हाँ करके दिखा रहे हैं। पिछले बार हमने बॉयल करके दिखाया था बैगन आलू को, तब तो आपने उसका चोखा बनाया था। इस बार आप इसको रोस्ट करके दिखा रहे हैं। तो अब आप इस बैगन का क्या करने जा रहे हैं, हाँ, ये पोस्टमार्टम? बैगन का छिलका निकल गया, अब मैं इसे काट लूंगी वो डंठल को। इसका गर्दन काट दे रहे हैं, हाँ, डंठल जो है डंठल हटा इसको दे रहे काट कर हैं। निकाल दूंगी, अच्छा, काट के निकाल दी। टमाटर का भी मैं छिलका निकाल लूंगी और फिर अच्छा इसको ये करूंगी, मैश अच्छा करूंगी सबको। अच्छा अच्छा तो आप इसको क्या कर रहे हैं अब? ये तो पूरा हाँ, इसको छिलका निकाल ली मैं, पूरा अब साफ कर मैं दिया इसको आपने। चाकू से इसे कट कर दूंगी। अच्छा, सब छिलका जो गंदगी था उससे आपने साफ सफाई कर दिया इसका। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें अच्छा इस डाल दूंगी, अब चोखा बनाने हाँ का प्रक्रिया मैश चालू होता करूंगी। है। टमाटर को भी मैं काट दूंगी। अच्छा, इसको आप मैश कर रही हैं ना? आप स्मैशर से भी इसको स्मैश कर सकते हैं, पर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसी से कर रही हूँ। अब मैं इसमें ये सब मसाले, डालूंगी। जितने मसाले सब डालेंगे। प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दी, आप स्वाद अनुसार दे, जितना तीखा खाए वैसा ही दे। फिर धनिया पत्ती डाल दी मैं, और ये जो मैं रोस्ट करके रखी थी इसको भी मैं डाल रही हूँ। और ये अदरक जो क्रस्ट करके रखी थी इसको भी डाल दी मैं। अब क्या मिला रही है इसमें? अब मैं ये जो लहसुन की चटनी है इसको डाल रही हूँ, लहसुन और लाल मिर्च की। लाल मिर्च की, ये बहुत तीखा होता है इसलिए मैं हरी मिर्च उतना ज़्यादा नहीं डाली। और ये नमक डालूंगी मैं स्वाद अनुसार, चख के देख लूंगी मैं नमक ठीक हुआ है कि नहीं। और और ये मस्टर्ड इसमें मस्टर्ड ऑयल, ऑयल भी। हाँ इसी का खुशबू बहुत अच्छा होता है हाँ, बैंगन की चोखा में, मस्टर्ड आलू ऑयल। की चोखा में ये जो मस्टर्ड ऑयल की खुशबू बहुत अच्छा लगता है। कितने चम्मच है? अच्छा, एक ही आधा चम्मच के करीब। तो आपका ये चोखा बनके तैयार हो गया। हाँ, मैं इसे प्लेट में रख, और कुछ इसमें मिलाना है? नहीं और कुछ नहीं हो गया मिलाना। कंप्लीट। हाँ अच्छा, हाँ तो मेरा ये बैगन का भरता बनके तैयार है। मैं इसमें लहसुन और लाल मिर्च का अचार डाली थी, आप चाहे तो इसमें नहीं भी डाल सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि डालना ही है। और अगर ये मेरा जो भरता की रेसिपी अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अगर मेरा चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी मेरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सेहतमंद रहे, सुखी रहे सब कोई।